हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आ गया हूँ सौरभ भैया के शॉप में रियल वैल्यू, जहाँ आपको टाटा का डीलरशिप भी है और साथ ही ऐसे बहुत सारे ट्रक मिलेंगे जिसमें आप कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। एसर की देखें, टाटा की देखें, और हो सके तो आपको फोर्स, अभी बस फिर स्टार्ट हो गया है स्कूल वगैरह के लिए, बस ले सकते हैं फोर्स की। तो आज दिखाने वाले SML है, SUV वगैरह खड़ी है, तो पूरा। और यहाँ आपको साथ ही यहाँ जैसे पीछे का डाला वगैरह ले सकते हैं, पीछे का डाला, और देखते हैं कि यहाँ कितने प्राइस में है, कौन सी मॉडल है, फाइनेंस की सुविधा है कि नहीं, अदर स्टेट में होगा कि नहीं, तो पूरा डिटेल्स एंड तक देखना। और सौरभ भैया को बुलाते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा ID नंबर है Chitransh1234 5, और फेसबुक में जाइए व्लॉग Chitransh सर्च कीजिए, वहाँ भी हमारा वीडियो देखने को मिल जाए। तो चलो सौरभ भैया को बुलाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज कौन कौन सा कलेक्शन दिखाएंगे सौरभ भैया? आज अपन दिखाएंगे माजदा, आईटर, टाटा और लैंड की। अच्छा, 2.5 टन से लेके 10 टन की गाड़ी होगी। और स्टार्टिंग क्या आज प्राइस? आज स्टार्टिंग प्राइस है आपका 6 लाख से लेके 14.5-15 लाख। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज अपनी ये गाड़ी है 52-52 आस्था की। अब जैसे कि पूरा सीजन आने वाला है दोनों का, शादियों का भी और धान का भी, तो उसमें सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ियों में से एक है ये। धान के में 100 कट्टे से ज्यादा आ जाते हैं, 100-150 कट्टे से ज्यादा, और DJ में सबसे ज्यादा यही चलती है गाड़ी, यूज होता है ज्यादा इसमें। तो ये है 2017 मॉडल की, 7.5 लाख की गाड़ी है, और क्या कहते हैं CG पासिंग करके मिलेगा। कितना रनिंग हुआ होगा इसका? इसका रनिंग हुआ है 22,000। 22,000 कितने फीट का रहता है ये? 9 फीट। और आपके पास पुराने में डाला कितने में है अभी? 14 फीट। 14 फीट में है। क्या प्राइस उसका? 70,000। नए वाले का अनटच्ड है, सीधा निकाला, सोल्ड गाल है, और एक है 50,000 का। अच्छा, एक 50,000 का यूज्ड का। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद एसर का। ये है आईशर की 11-10, 19 फीट की गाड़ी है, 8.5 टन की पासिंग है, पेपर और टायर ओके हैं इसमें ऑलरेडी, और चली है ऑलमोस्ट अराउंड 70,000, और इसका प्राइस है 10 लाख रुपए। 10 लाख। बाकी पूरा ओके है, कंप्लीट है? हाँ, पूरी वाड़ी। पासिंग कहाँ का है ये? छत्तीसगढ़ रायपुर। रायपुर का पासिंग है। बाकी कुछ, ये कितने फीट का होगा? 19 फीट। 19 फीट में आता है। इसके बाद और नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली आईशर का भी है। ये है 22 फीट वाली, 2018 मॉडल की है, और क्या कहते हैं 22 फीट का डाला है, 10 टन की पासिंग है, 10.5 टन की। इसमें नए पेपर करके और टायर पूरे नए डाल के, छह और टायर नए डाल के आपको ये लग रहा होगा मैं 15 में दूंगा, लेकिन मैं आपको इसको ये 14 लाख में करके, 14 लाख में देंगे। पूरा पेपर वेपर सब इंक्लूड रहेगा प्राइस में? सब सब। अच्छा, बाकी पूरा ओके है कंडीशन अंदर का? अच्छा, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट भैया, ये वाली टाटा की कौन सी? ये है टाटा की 15-18 अल्ट्रा में। इसका ये ऑलरेडी रेडियल टायर लगे हुए हैं, 2018 मॉडल की है, 10.5 टन की पासिंग है, और 20 फीट का डाला है। 20 फीट का डाला है, और 1.5 लाख तक चली है। 1.5 लाख तक चली है ये गाड़ी। आपको ये मिल जाएगी 14 लाख में। 14 लाख में। टायर वगैरह तो पूरा ओके है ना? नए रेडियल टायर पीछे के, और सामने के ऑलरेडी रेडियल टायर लगे हुए हैं। आपको ये रेडियल टायर के साथ, नए पेपर के साथ, आपको ये 14 लाख 14 लाख में पड़ेगा। पासिंग यही राजनांदगांव का? राजनांदगांव। इसके बाद देखेंगे ये वाली आईशर का है। ये है आईशर की 11-14, 2018 मॉडल की है। इसमें ऑलरेडी रेडियल टायर लगे हुए हैं, और पेपर नया करके ये 14 लाख की पड़ेगी। 14 लाख की। कितनी रेंज? 20 फीट की है, और 2.5 लाख चली है। 2.5 लाख चली हुई है। पासिंग रायपुर का? रायपुर का। बाकी ये पूरा ओके है? ओके। 20 फीट का डाला गाड़ी है। हाँ, 20 फीट। इसके बाद देखेंगे आगे, ये लंबी चलने वाली गाड़ियों में से है, क्योंकि डबल केबिन है, स्लीपर केबिन। आप जहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड आपको 2,000-2,500 किलोमीटर तक जाना होता है बड़े बड़े में, तब आपको स्लीपर केबिन वाली गाड़ियाँ लगती हैं। तो और ये इसकी टन पासिंग भी 10.5 टन की है, और आईशर की अशोक लेलैंड की 12-14 है, 2018 मॉडल के हैं, पेपर टायर ओके हैं ऑलरेडी। आपको ये पड़ जाएगी 14 लाख। 14 लाख। रनिंग कितना होगा इसका? रनिंग है 1.5 लाख। 1.5 लाख तक। 1.5 लाख। पासिंग है लोकल दुर्ग में? दुर्ग की। अच्छा, बाकी तो पूरा ओके है बताया। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, ये है आईशर की 1059, क्या कहते हैं LCV सेगमेंट में आती है, 3.5 टन की पासिंग है इसकी, और 10 फीट का डाला है।
10 फीट का डाला है। ये छोटे कमर्शियलों में है ना? हाँ, छोटा नहीं, मीडियम, मीडियम साइज में। अच्छा, कितने चला होगा ये चला है अपना 24-55 हजार। 55 हजार पासिंग है रायपुर का, रायपुर पास। क्या रेट रखे इसका? इसका है 8.5 लाख। 8.5 लाख नेगोशिएबल प्राइस है ना सर? हाँ। ये है अशोक लीलैंड की गुरु 11-11। हाँ। और 7.5 टन की पासिंग है इसकी। हाँ। 19 फीट का डाला है। हाँ। 18 का मॉडल है। हाँ। पेपर टायर ओके करके ये आपको पड़ जाएगी 11.5 लाख की। 11 लाख। हाँ। कितना रनिंग होगा इसका? रनिंग हुआ है 1.5 लाख। पासिंग अपना बिलासपुर आता है? बिलासपुर पासिंग। बाकी पूरा ओके है? पूरी ओके है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं ये वाली टाटा का, ये रायपुर पासिंग। ये है रायपुर पासिंग वाली गाड़ी। हाँ। आपको 10.25 टन की पासिंग है इसकी। हाँ। 20 फीट का डाला है। ये 19 मॉडल है। 19 मॉडल। हाँ, ऑलरेडी इसमें रेडियल टायर लगे हुए हैं और पेपर नोके करके इसका 15 लाख का रेट है। 15 लाख में नेगोशिएबल। अच्छा, नेगोशिएबल प्राइस है। और आपके पास अदर स्टेट में फाइनेंस होता है ना? अदर स्टेट में फाइनेंस होता है। हाँ। और चोला से अपन फाइनेंस करवाते हैं। हाँ। अगर कस्टमर का कोई भी डाउन वो नहीं है, ओडी नहीं है, ओवरड्राफ्ट नहीं है, या फिर उसने जितनी भी गाड़ियां ली है आज तक सब टाइम टू टाइम किस्तें पटाई है। हाँ। तो उनका ज्यादा जल्दी हो जाता है। नए बायर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हाँ। जो पहली बार लेते हैं, क्योंकि उनका सिविल रिकॉर्ड होता नहीं है। अच्छा। अगर गारंटर है उनके पास जो, जिसके पास बड़ी ऐसी कमर्शियल गाड़ियां हैं, तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं ये, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये अपने पास अभी मार्केट है इस गाड़ियों का, क्योंकि धान कटाई और अभी शादियां एकदम जोरों शोरों से होगी, तो उसके लिए ये अपन ने अलग से स्टॉक करके रखी। ये हो गई, वो आयशर की ये हो गई, और भी अपने पास 52 है। तो ये है 18 मॉडल वाली, और इसमें पेपर टायर ओके करके अपने को ये मिल जाएगी 8.5 लाख। 8.5 लाख। कितना रनिंग होगा इसका? रनिंग है ज्यादा नहीं है, 41,000। 41। पासिंग कहाँ का है? कोंडागांव। कोंडागांव। बाकी जो टायर है ऐसे ही मिलेंगे? नहीं, नए टायर। नए टायर के साथ देंगे। अच्छा, और कौन से अभी आपके पास? और है अपने पास ये है अपना 2012 का टैंकर है। 14 लीटर का है, 12 लीटर का टैंकर, 12,000 लीटर का। और डीकमीशन हो चुका है ऑलरेडी, तो ये अपना पानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जहाँ पे रोड चलाते हैं। हाँ। उसमें ये ज़्यादा अच्छे से काम आएगा। हाँ। तो लेकिन इसकी गाड़ी की कंडीशन एकदम अनटच्ड है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, टायर और पेपर ओके करके हैं, मिलेगा। ये अपने को पड़ जाएगी 8 लाख। 8 लाख। इसका रनिंग कितना होगा? इसका रनिंग हुआ है 1,85,000। 1,85,000। पासिंग अपना है रायपुर, रायपुर का पासिंग है। इसके बाद और कौन से कमर्शियल्स? बस एक और गाड़ी अपनी 52-52 2016 मॉडल की है। अच्छा, वो दिखा देते हैं लास्ट। ये है अपनी लास्ट 52-52 2016 मॉडल की। हाँ। महासमुंद की पासिंग है। हाँ। और टायर पेपर ओके करके ऑलरेडी रखी हुई है। हाँ। ये अपने को पड़ जाएगी 6.5 लाख। 6.5 लाख। रनिंग कितना होगा इसका? इसका है 60,000। 60,000। और आप एक बार लैंडमार्क बता दीजिए और एक बार। ये अपना है रिंग रोड नंबर 1 पे। हाँ। डीमार्ट और जायका के बीच में। डीमार्ट और जायका। बाकी आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी बताइए। 9819613553। अच्छा, और कुछ बोलना चाहेंगे? मैं मेरे कंज्यूमर्स के साथ बोलना चाहूँगा कि आपके प्यार और स्नेह से ही हमारा बनता रहता है। तो आप ये वीडियो देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए इसके चैनल को, और सर के वीडियोस को बार बार देखिए, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो और बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो भाइयों, आप लोगों को कैसा लगा यहाँ का जो मैंने कलेक्शंस दिखाया सौरभ भैया के थ्रू, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, हमें क्या होता है मोटिवेशन मिलता है कि, और आज का लाइक हम रखते हैं, आप 2000 जरूर कंप्लीट कर दीजिएगा। देखते हैं और कितना व्यू यहाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जो भी यहाँ का नंबर चाहिए होगा, कहीं का भी डिटेल्स चाहिए, तो वहाँ का आईडी है मेरा चित्रांश 1 2 3 4 5। और फेसबुक में जाइए, ब्लॉग चित्रांश सर्च कीजिए, वहाँ भी हमारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलो, ज़्यादा से ज़्यादा और हमें मोटिवेशन मिले इसलिए कमेंट कीजिए हमें। अच्छा, तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।